गुड मॉर्निंग ठंड तो बहुत ज्यादा है बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग मॉर्निंग में सारी चीजें समझ में आ रही हैं, टाइप सेवन क्लियर हो चुका है एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट वाला 198 देखिएगा करवा रहा क्वेश्चन 198 देखिए फोर टू दावर सिक्सटी वन प्लस फोर टू दावर सिक्सटी टू प्लस फोर टू द सिक्सटी थ्री फोर टू द सिक्सटी फोर देखिए फोर टू द सिक्सटी वन सब में कॉमन दिखाई दे रहा है कर लेंगे बाहर अब यहां आएगा वन फोर की पावर वन फोर की पावर टू फोर की पावर थ्री आएगा इतना फोर की पावर सिक्सटी वन एंड टू कितना हो जाएगा ऐड करने पर एटी फाइव अब देखिए किससे विभाजित है ऑप्शन रहता तो थो थोड़ा सही रहता अभी तो यहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं जिससे ये क्या है विभाजित है साफ दिखाई दे रहा है आ, साप सब दिख रहा है सत्रह से है पांच से है पचासी से है फिर उसके बाद बीस से भी है बहुत सारी संख्याएं हैं है। जिससे ये क्या है विभाजित है अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको तो आंसर क्या टिक करना है ठीक है संख्या टोटल सॉल्व वो क्या आ रही है फोर की पावर सिक्सटी वन इंटू एटी फाइव बहुत सारे नंबर है जिनसे यह विभाजित होगा यह पूछा ही गया है आपसे ऑप्शन हो तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे ठीक है ये किससे विभाजित है विभाजित होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे रिकॉर्डिंग आंसर देंगे ठीक है बच्चों ऐसे तो बहुत सारे नंबर से ये विभाजित होगा आ रहा है समझ में हर एक बच्चा ध्यान दे लग रहा है कि प्रयागराज शिमला बन जाएगा चलिए देखिए टाइप एट नया टाइप शुरू हो गया समझ रहे हैं ना बच्चों ये पांच से भी है सत्रह से भी है पचासी से भी है दो से भी है चार से भी है सोलह से भी है सोलह से है हाँ क्यों नहीं है बहुत सारे नंबर है फोर की पावर सिक्सटी वन लगा हुआ है तो ये बहुत सारे नंबर से विभाजित है बहुत सारे चलिए देखिए टाइप एट 199 नंबर का प्रश्न है यहां पर किसी भाग के प्रश्न में भागफल भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 और 25 है तो भाजक क्या होगा इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाज्य भाजक भागफल ये सब क्या होता है आपको सब पता है देखिएगा जैसे आप फाइव में टू का डिवाइड कर रहे हैं टू टू से फोर यहां फोर आया वन रिमाइंडर एक आया ठीक तो इसमें क्या है दो क्या है भाजक है डिवाइजर फाइव क्या है भाज्य है डिविडेंड और ये दो जो आया है, जितनी बार भाग गया है वो क्या है भागफल। क्वेश्चन क्वेश्चन और एक क्या है शेषफल, रिमाइंडर रिमाइंडर है देखिए सारी चीजें मैंने यहां लिख दिया फाइव में अगर आपने टू से डिवाइड किया तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको तो भाज कहते हैं डिविडेंड जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है डिवाइजर और जितनी बार भाग जाता है वो है भागफल ये सबको पता है बचपन से ये चीज जानते हैं और जो बचा है वो शेष है भागफल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं और ये शेषफल है रिमाइंडर तो इन चार चीजों में कैसे रिलेशन आपका सेट होता है आप यहीं से देख सकते हैं आप टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर होगा और फोर में वन यानी कि रिमाइंडर एड कर देंगे तो क्या आएगा भाज्य आएगा डिविडेंड आएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल और प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये इन चार चीजों में फॉर्मूला बनेगा कोई भी तीन चीजें दी गई हैं चौथी चीज मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से चौथी चीज निकाल सकते हैं जितनी बार भाग जा रहा है उसमें भाजक का गुड़ा करके शेष जोड़ देंगे तो जिसमें भाग दिया जा रहा है यानी कि भाज्य उसकी वैल्यू आ जाती है क्लियर हो गया भाज्य यानी कि पांच बराबर क्या होगा दो गुड़े दो दो दुना चार और प्लस एक सही है ये हो गया आपका टोटल क्या भाज्य दिमाग में रखिएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे नोट कर लें अनिल कट रहा है बाबू थोड़ा इसको बड़ा करिए कैमरा कैमरा सेट करिए थोड़ा और बस बस ठीक है सही चलिए ठीक है क्लियर हो गया सभी बच्चों को आ रहा है सबको समझ में अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं 199 पे हर एक बच्चा देखे बहुत ही सिंपल सा टाइप है और इंपॉर्टेंट टाइप है किसी भाग के प्रश्न में भागफल भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15 नौ और 25 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 940 बराबर बताइएगा भाजक गुड़े भागफल भागफल क्या है पंद्रह और शेषफल क्या है पच्चीस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर आपसे डिवाइजर ही पूछा गया है भाजक आपसे पूछा गया तो भाजक का स्थान यहीं पर है अब कैलकुलेट करके भाजक निकालेंगे तो कितना आएगा सिक्सटी यह आपका आंसर है कैलकुलेट कर लीजिए हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से आ रही है बात समझ में क्लियर है सबको YouTube पर क्लास इस मंथ तक रहेगी और अगर यही ठंड की कंडीशन रही तो क्लास आगे भी YouTube पर रहेगी ठीक है क्योंकि बच्चों को सुबह आने में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोग तो काफी संघर्षों के साथ काफी मेहनत करते हुए यहां आ रहे हैं ठंड की वजह से मुझे लेट नहीं हुआ लेट नाइट सोया था तो अचानक मैं उठ गया था बजकर दो मिनट पे मैं तीन अलार्म सेट करके सोता ठीक चलिए आज अलार्म ने धोखा दिया पता नहीं कैसे तीनों बंद कर दिया मैं कब बंद कर दिया आइए देखिए अब इसके बाद है 201 नंबर का क्वेश्चन 200 तो हो जाएगा वो तो अंडरस्टूड है लाइए 200 नंबर का क्वेश्चन लगाइए लगा दिया आपने कर लेंगे क्वेश्चन ये क्या है क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं सात हजार सात सौ पैंसठ रुपए को किस संख्या से रुपए नहीं सात हजार सात सौ पैंसठ को किस संख्या से भाग दे कि भागफल फल पैतालीस तथा शेष पच्चीस आए ठीक है अब आगे भाजक लिख दिया है, कोई मतलब था नहीं किस संख्या से भाग दे मतलब भाजक ही पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाजक सेम क्वेश्चन है कर लेंगे तो डू योर में डाल देते हैं सेम पिछले पैटर्न की तरह है। कर लेंगे आप लोग अब आइए 201 नंबर का क्वेश्चन है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल शून्य आता है यदि इस संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा तो सबसे पहले तो संख्या बना लें सबसे पहले क्या बनाए संख्या बनाए तो संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी संख्या बताइएगा आपका 68 से भाग दिया गया था तो यह भाजक है भागफल आया था 269. ये और प्लस रिमाइंडर ये क्या हो गई संख्या हो गई क्लियर है अब इसको किससे डिवाइड करना है सिक्सटी सेवन से डिवाइड करना है समझिए इस बात को सिक्सटी एट इंटू टू सिक्सटी नाइन प्लस जीरो यही तो संख्या बनेगी संख्या यानी कि भाज्य किसी संख्या में आपने सिक्सटी एट से डिवाइड करा था तो क्वेश्चन यानी कि भागफल आया था टू सिक्सटी नाइन और शेषफल आया था जीरो यदि इसी संख्या को 67 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा तो शेषफल क्या आएगा आपसे पूछा गया है ध्यान से देखिएगा जिम्मेदारी के साथ यहां पहले संख्या बनाएंगे तो संख्या कैसे बनेगी भाजक गुड़े भागफल धन शेष फल संख्या आपकी बन गई डिवाइड किससे करना है 67 से अब ऐसा नहीं करना कि पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए इसमें भी शॉर्ट टेक्निक अपनाया जा सकता है कैसे देखिए 68 को इस भाजक के रूप में तोड़ लीजिए भाजक के रूप में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 67 सेवन प्लस वन ध्यान दीजिएगा और इन टू क्या होगा टू देखिए आप ब्रैकेट ब्रेक करिए तो टू का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सिक्सटी सेवन इन टू टू सिक्सटी नाइन और प्लस प्लस कितना टू सिक्सटी नाइन बाई क्लियर सारे बच्चों को अब देखिए रिमाइंडर देना है इसका मुझे मैं सिक्सटी सेवन से दोनों को डिवाइड करूंगा एक टर्म क्या होना चाहिए वो आपका क्या हो जाना चाहिए टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए तो रिमाइंडर बगल वाले से आ जाएगा सिक्सटी सेवन से इसको तो डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा कटना अनिवार्य है ये पूरा पूरा टर्म क्या होगा कट जाएगा जब ये कट गया तो केवल रिमाइंडर कहां से मिलेगा 269 में 67 से डिवाइड करके मिलेगा क्लियर है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है डिवाइड हो जाना चाहिए तो रिमाइंडर कहां से मिलेगा 269 में आप किससे डिवाइड कर लीजिए 67 से रिमाइंडर बताइए रिमाइंडर आ गया एक इस तरीके से आंसर दिया जाएगा हर एक बच्चा ध्यान दे रिमाइंडर आ गया आपका एक सही है अब इस तरीके के रिमाइंडर पर चर्चा और डिटेल में होगी आगे इसी टाइप में टाइप एट में ही आइए चलिए देखिए 202 नंबर का क्वेश्चन है तेलियरगंज वाले यूट्यूब वाले बच्चे और लीवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिए 202 एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दो गुने के बराबर आता है और शेषफल तीस आता है तद अनुसार संख्या बताइए सिंपल है आप देख लीजिए कि भाजक क्या है भागफल क्या है शेषफल क्या है सीधे आप वो संख्या यानी कि भाज्य निकाल लीजिए संख्या निकालने का मतलब जिसमें भाग किया जा रहा है और जिसमें भाग दिया जा रहा है वही आपकी संख्या होगी वही आपका क्या है भाज्य है मतलब निकालना क्या है भाज्य आपको सीधे सीधे डिविडेंट फाइंड करना है क्लियर है चलिए देखिए तो हमारा जो भाजक होगा 500, 555 प्लस चार होगा भाजक क्या हो गया कितना 1000 फिर भागफल क्या है इनके अंतर का दो गुना पांच सौ पचपन माइनस चार सौ पैतालीस का टू टाइम्स है दो गुना है तो दो से गुणा कर देंगे गुना मतलब गुणा करिए कितना आएगा दो सौ बीस और शेषफल दे रखा है शेषफल क्या है तीस आपसे पूछा गया बताइए संख्या क्या है संख्या मतलब बच्चों ये बात कर रहा है किसकी भाज्य की तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुड़े भागफल यानी कि एक हजार गुड़े दो सौ बीस और प्लस शेषफल यानी कि तीस कितना आएगा बाईस फिर डबल जीरो फिर उसके बाद तीस ये आपकी संख्या आ गई संख्या यानी कि भाज्य आ गया क्लियर है सारे बच्चों को हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ चलिए आइए देखिए 203 नंबर का क्वेश्चन है आपका 203 203 तीन बोला गया है डिवीज़न के एक प्रश्न में विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का चार गुना है और शेषफल का दो गुना है यदि ए और b क्रमशः भाजक और भाज्य हो तो क्या सही है यह आपसे पूछा गया है तो ध्यान से देखिएगा भाजक दिया गया है ए है और भाज्य क्या है बी है बोला गया है भाजक भागफल का चार गुना है भागफल अगर भाजक भाजक भागफल का चार गुना है तो भागफल भाजक का क्या होगा चौथाई होगा मैं अगर आपका चार गुना हूं तो आप हमारे चौथाई होंगे ये भाजक भागफल का क्या है चार गुना है तो भागफल भाजक का क्या होगा चौथाई होगा तो भागफल की वैल्यू ए बाई फोर होगी फिर उसके बाद बोला गया है और भाजक शेषफल का दो गुना है तो शेषफल का दो गुना तो शेषफल क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा भाजक यानी कि ये ए शेषफल का दो गुना है ना तो क्या शेषफल भाजक का आधा होगा क्या शेषफल भाजक का आधा होगा श्योर होगा तो क्या लिखेंगे ए बाई टू क्लियर हो गया सारे बच्चों को अब हम फॉर्मेट अपना जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुड़े भाग फल धन शेष फल उसी का प्रयोग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बताइएगा बी बराबर ए गुड़े ए बाई फोर और प्लस ए बाई टू यही पैटर्न है चलिए ध्यान से देखिएगा बी में ही सब बना है ठीक है बी बराबर ए स्क्वायर और बाई फोर करिए या एलसीएम लीजिए यहीं पर फोर एलसीएम ए स्क्वायर प्लस टू ए तो फोर बी इज इक्वल टू वॉट ऐसा कोई फिगर नहीं आ रहा है नहीं कोई दिक्कत नहीं तो बी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लें तो ए प्लस टू बाई फोर यही मैच कर रहा होगा कोई ए ब्रैकेट में ए प्लस टू बाई फोर फोर अच्छा फोर इधर कर दिया कोई दिक्कत नहीं इसको इधर भेज दीजिए तो फोर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए प्लस टू बाई बी हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे जैसा ऑप्शन होगा उसी को तो टिक करना है तो मिला लेंगे कहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर दें कि हमारा ऑप्शन मैच कर जाए हमको ध्यान देना पड़ेगा सही है हर एक बच्चा ध्यान दे क्यों तो वहां क्लास में कहीं प्रॉब्लम है क्या उधर फाउंडेशन बंद करा दिया गया है ना यूट्यूब पे एक बंद है चल रहा चलिए देखिए अब इसके बाद है आपका 200 सौ दो सौ चार नंबर का क्वेश्चन देखिए टू जीरो फोर एक गलती ये हो गई सूचना नहीं डाली गई सूचना नहीं दी गई कि फाउंडेशन कल लाइव नहीं चलेगा अनिल इसको आप तुरंत अपडेट करिए टेलीग्राम पे किसी से कराइए ये सूचना रह गई, कई बच्चे कंफ्यूजन में रह जाएंगे घर पे आज पूरे आ जाते हैं ठीक है 169 एक क्वेश्चन है आपका 204 169 से भाग देने पर कोई संख्या अठहत्तर शेष छोड़ती है तो उसी संख्या में तेरह से भाग देने पर क्या शेष बचेगा मेथड वन देखिए सबसे पहले संख्या बना लेंगे संख्या कैसे बनेगी मान लिया 169 से भाग देने पर आपका जो भागफल है वो है Q। भागफल क्या है क्यू है ध्यान से सुनिएगा 169 भाजक है पहला भाजक है क्लियर है कि नहीं है 169 से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है क्यू आ रहा है तो क्या होगा भाजक हो गया 169 और इंटू क्यू ये भागफल हो गया और प्लस रिमाइंडर यानी कि 78 करेंगे तो क्या ये संख्या बनेगी श्योर ये संख्या बनेगी क्लियर है आ रही बात समझ में अब देखिए क्या कर देंगे आप 169 सिक्सटी नाइन इंटू क्यू प्लस सेवेंटी इस संख्या में किससे भाग करेंगे 13 से तेरा से भाग करेंगे तो बच्चों देखिए ये वाला टर्म पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हर एक बच्चा ध्यान दे ये वाला टर्म पूरा पूरा कैंसिल होगा क्योंकि तो 169 सिक्सटी से क्या है डिविजिबल है क्यू चाहे हो चाहे उस ना हो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है अगर ये कट गया तो ये पूरा पूरा टर्म ही क्या होगा थर्टीन से कट जाएगा समझिएगा और ये कटना अनिवार्य है अगर ये नहीं कटा तो फिर आप इसका शेष नहीं दे पाएंगे ये चीज़ कटना अनिवार्य है वन सिक्सटी नाइन इंटू क्यू ये वाला पार्ट थर्टीन से कटना जरूरी है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे अदरवाइज नहीं दे पाएंगे समझिएगा यहां अपने मन से वन टू थ्री नहीं रख सकते अपने मन से वन टू थ्री नहीं रखा जा सकता इस बात को ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा रिमाइंडर कहां से मिलेगा 78 में बस आपको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आ जाएगा आ रहा है समझ में रिमाइंडर यहां बच्चे आपका जीरो आ जाएगा हर एक बच्चा ध्यान दे ये चीज कटना जरूरी है नहीं कटेगा तो इसका आंसर नहीं ज्ञात कर पाएंगे अगर इसी क्वेश्चन में तेरह से नहीं भाग देना होता चौदह से भाग देना होता तो अगर इसी सवाल में चौदह से भाग देना होता तो क्या आप शेष ज्ञात कर पाते नहीं शेष ज्ञात नहीं हो पाता क्योंकि आप 169 into Q plus 78 करेंगे सिक्स 14 होगा। क्यू तो प्लस 14 करेंगे नहीं डिवाइड होगा ये 14 से नहीं डिवाइड होगा। हो और जब ये 14 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर इसका रिमाइंडर फाइंड नहीं हो पाएगा इसका ज्ञात करना संभव नहीं है इसका शेष ज्ञात करना संभव नहीं है शेष तभी ज्ञात होगा जब ये वाला टर्म आपका 14 से डिवाइड होगा यानी कि हम क्वेश्चन बोल सकते टर्म डिवाइड नहीं होगा तब तक रिमाइंडर नहीं निकलेगा आप यहां क्यू की वैल्यू अपने मन से अगर रखते हैं तो वो बात आपकी गलत होती है कई बच्चे कहते सर संख्या छोटी सी बना ले मान लिया एक बार भाग गया तो एक बार भाग गया वाला सिस्टम अगर लेके चलेंगे तो फिर समझिए वो बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी हो सकता हो दो बार भाग गया हो सकता हो तीन बार भाग गया हो सकता हो ज्यादा बार भाग गया तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि आ, है, क्या है तो जब तक ये कटेगा नहीं जब तक ये पार्ट आपका कटता हुआ नहीं दिखाई देगा तब तक आपका काम कंप्लीट रिमाइंडर निकाल लेगा नहीं हो पाएगा नहीं निकाल पाएंगे रिमाइंडर आप कटना चाहिए यह आपका बेसिक है मैंने आपको बता दिया कि जो भागफल है भागफल को यहां आप अपने मन से वन टू थ्री कंसिडर नहीं कर पाएंगे वन टू थ्री कंसिडर करने पर कोई संख्या तो बनी जाएगी और जब संख्या बन जाएगी तो चौदह से भी भाग जाने लगेगा और रिमाइंडर आने लगेगा अगर हम यहीं पर क्यू की वैल्यू एक ले लें मान लिया एक बार भाग जा रहा है भागफल क्या है एक है तो यहां कोई संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी क्यों अगर एक ले लेंगे भागफल हम तो संख्या कितनी बनेगी वन सिक्सटी नाइन प्लस सेवनटी एट जोड़िए 169 प्लस 78 247 अब तो 247 में 14 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा ना ये गलती होती है बच्चों से यहां पर बच्चे एक छोटी संख्या बनाने लगते हैं और कहते लीजिए सर आंसर आ गया नहीं इसका आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहला भाजक पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित ना हो तब तक आंसर इसका नहीं आएगा हर एक बच्चा ध्यान दे यह निवारे चीज है तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते इसका रिमाइंडर नहीं निकल सकता ये पार्ट इससे कटना चाहिए नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा आ गया समझ में यह पार्ट इसका कटना चाहिए नहीं कटेगा तो इसका आंसर नहीं आएगा कुछ लोग फिर से बता दूं, मान लेते हैं कि भाग एक बार जा रहा है भाग दो बार जा रहा है उसके आधार पर कोई संख्या वो बनाते हैं फिर भाग देते हैं तब तो कोई ना कोई उत्तर आ ही जाएगा लेकिन वो बात गलत है ये पार्ट आपका फोर्टीन से पूरा डिवाइड होगा तो 78 में आप 14 का डिवाइड करके आप रिमाइंडर बता सकते हैं क्योंकि यहां पर यहां पर यह नहीं डिवाइड हो रहा है इसलिए यहां पर शेष ज्ञात नहीं कर सकते सही है तो यहां निकल रहा है शेष 13 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट वन सिक्सटी कट रहा है पूरा पूरा तो रिमाइंडर देने का काम कौन करेगा केवल आप सेवेंटी में थर्टीन का डिवाइड करके रिमाइंडर बता दीजिए आ गया समझ में चलिए अब इसके बाद मेथड टू पे आइए मेथड टू यदि पहला भाजक मेथड टू नोट करिएगा यदि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य नहीं है यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य नहीं है तो हम प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते तो हम प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते आ रहा है समझ में यदि यदि पहला भाजक यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य है दूसरे भाजक से विभाज्य है तो हम तो हम केवल तो हम केवल शेष में हम केवल शेष में दूसरे भाजक से भाग देकर उत्तर का शेष प्राप्त कर सकते हैं आंसर वाला शेष प्राप्त कर सकते हैं बस यही है आपका शॉर्टकट चलिए यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि 169 में 13 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं 169 में 13 का डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो हमारा शेष कहां से आएगा 78 एट बाई थर्टीन यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो आ गया बच्चों समझ में यह चीज कट्टी इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमको भागफल का फिगर पता है नहीं एग्जैक्ट फिगर इसका पता चल नहीं पाएगा वन सिक्सटी नाइन बनेगा 169 सिक्सटी बनेगा अब क्यू भागफल कितनी बार गया है एक बार दो बार तीन बार चार बार कोई जानकारी नहीं है अगर जानकारी होती हमें क्यू की तो फिर हम तो कर लेते हैं आया समझ में लेकिन यहां पर भागफल की कोई जानकारी आपको नहीं है इसलिए आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि 169 सिक्सटी नाइन इंटू क्यू वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड होता हुआ ना दिखाई दे समझिए बात को डिवाइड होना चाहिए इसको अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप आंसर इसका ज्ञात नहीं कर पाएंगे एग्जाम में यह भी आता है आपका प्रश्न कभी कभी ऐसा फिगर दे देता है जिसमें पहला भाजक दूसरे भाजक से नहीं कटता तो उस प्रश्न का उत्तर क्या होता है ज्ञात नहीं कर सकते शेष ज्ञात नहीं हो सकता इसमें तो हो रहा है आइए देखिए अब 205 में आइए 296 नाइनटी सिक्स बाई थर्टी करके देखिए कट रहा है कितनी बार में आठ बार में वेरी गुड ये डिवाइड हो रहा है पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग जा रहा है रिमाइंडर हमको चाहिए तो बस 75 में आप किस तरह डिवाइड कर दीजिए 37 से अब रिमाइंडर बता दीजिए ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा ऐसे डायरेक्ट आंसर ऐसे दिया जाएगा हर एक बच्चा देखे आ गया सबको समझ में पीछे तक सभी लोग ध्यान दें अब इसके बाद है 200 छह नंबर का क्वेश्चन कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 सौ देती है यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या देगी बस चेक करिए 280 बटा 35 कट रहा है और बच्चों आप ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में ये कहीं ना लिखा हो कि ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर भाग भी मत दीजिए इसका मतलब निश्चित रूप से उत्तर आएगा कोई ना कोई अगर ऑप्शन में ये नहीं लिखा है कि ज्ञात नहीं कर सकते तो हमको भाग दे के भी चेक करने की जरूरत नहीं है पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग भी मत दीजिए अगर ज्ञात नहीं कर सकते वाला ऑप्शन है ही नहीं इसका मतलब भाग जा रहा होगा तभी तो कोई ना कोई ऑप्शन बनाया है समझ में आ रही है बात तो ये भाग भी नहीं करने की जरूरत है अगर ऑप्शन में आपके लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है कि ज्ञात नहीं कर सकते समझ गए बात को अगर कहीं लिखा है ज्ञात नहीं कर सकते तब चेक करिए क्या सच्चाई है इसमें कि ज्ञात नहीं हो सकता तो इसलिए भाग देके चेक किया करिए कहीं कट रहा कट तो नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये चेक करना जरूरी हो जाता है खैर ये तो कट रहा है अभी हम सबको एक साथ एक जैसा ही लेके चलेंगे अब एक सौ पंद्रह में किससे डिवाइड 35 से रिमाइंडर टेन आ रहा है पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना जरूरी है अब आइए दो सौ सात नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए दो सात सीधे सीधे 899 29 से कट रहा है हाँ कट रहा है तो डायरेक्ट आप 63 में किसका डिवाइड करिए 29 का रिमाइंडर बोलिए फाइव आ रहा है ये आपका रिमाइंडर है ये 207 नंबर का क्वेश्चन था हो गया 208 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दो सौ आठ पीछे वाले सवाल की तरह है यदि किसी संख्या में तिरसठ से भाग दें तो भागफल 389 तथा शेषफल तीन आता है उसी संख्या में बासठ से भाग दें तो शेष क्या बचेगा नॉर्मल है संख्या क्या बनेगी 63 थ्री इंटू और प्लस थ्री संख्या यही बनेगी और इसको किससे डिवाइड करना है सिक्सटी टू से आसान डिवीजन बनाने के लिए ये तो हंड्रेड परसेंट सवाल सॉल्व होगा ही होगा हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होना ही होना है रिमाइंडर इसमें आना ही आना क्योंकि ये पूरी संख्या तैयार हुई है ये आपको यहां पता है कि भाग कितनी मार गया है तो हंड्रेड परसेंट इसका उत्तर आएगा ही आएगा क्योंकि तो यहाँ संख्या बनेगी ही बनेगी क्लियर सारे बच्चों को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए सिक्सटी टू प्लस वन इंटू थ्री नाइन पूरा कैलकुलेट करके डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है सिक्सटी टू हो जाएगा सिक्सटी टू इंटू थ्री एटी नाइन प्लस थ्री एटी नाइन और प्लस थ्री बाई तो कट रहा है इससे कोई मतलब है नहीं ये तो पूरा पूरा क्या हो रहा है कट रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है आ रहा है समझ में तो बेटा हाँ ना भी कटे तो भी हम काम कर सकते हैं प्लस में है तो भी हम इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर निकाल कर फाइनली फाइनल रिमाइंडर निकाल सकते हैं ठीक है पिछले सवाल में भी ऐसा ही था ध्यान दीजिएगा यहां तो किसी भी तरीके से आपका आएगा आंसर क्योंकि यहां पर भागफल दिया गया है पता है कि भाग कितनी बार जा रहा है तो संख्या तो बननी ही बननी है संख्या जब बनेगी तो रिमाइंडर आएगा ही आएगा तो चाहे जिस तरीके से आप ब्रेक करके रखे इसमें रिमाइंडर आपका आना ही आना है यहां कोई प्रॉब्लम नहीं पिछले सवाल में भी ऐसा ही था हाँ यहां पर ये डिवाइड हो गया तो एक फायदा मिल गया कि अब हमको रिमाइंडर कहां से देना है यहीं से देना है एक पार्ट डिवाइड हो गया तो फायदा हुआ कि नहीं अब रिमाइंडर हमको कहां से देना है यहीं से देना है कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो गई छोटी हो गई तो ध्यान से देखिए रिमाइंडर हम देंगे कहां से देंगे थ्री नाइनटी टू बाई सिक्सटी टू से देंगे बस रिमाइंडर हमको यहीं से देना है इतने पर ही क्योंकि ये वाला चीज तो हमारा से टोटली क्या हो रहा है ये पार्ट डिवाइड हो रहा है तो यहां तो ये यह पूरा कट गया रिमाइंडर जीरो आ गया तो फाइनल क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो यहां से आएगा ये काम ऐसा इसलिए किया जाता है कि कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए नहीं तो पूरी संख्या बनाकर भी आप भाग देकर अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं उसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा आ रहा है समझ में कहा नहीं निकल पाता जहां पर भागफल ना पता हो जहां भागफल नहीं पता है वहां का पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना चाहिए तो यह पैटर्न क्या बनता है पैटर्न क्या बनता है बताइए हाँ तो पहला भाजक गुड़े क्यू वाला प्लस रिमाइंडर वाला पैटर्न बनता है कि नहीं पहला भाजक गुड़े क्यू और प्लस रिमाइंडर तो पहला भाजक गुड़े क्यू ये पूरा पार्ट आपका क्या होना चाहिए दूसरे भाजक से कटना चाहिए तो क्यू का तो जानकारी होता नहीं है कि क्या है तो पहला ही भाजक तो आपके पकड़ में आया वही कट जाए वही कट जाए तो पहला भाजक गुड़े क्यू वाला पार्ट पूरा कटा हुआ बोला जाएगा कटना जरूरी है नहीं तो आंसर नहीं दे पाते वहां पर यहां पर चूंकि भागफल दे रखा है तो यहां पर कटे चाहे ना कटे आपका आंसर आएगा क्योंकि तो पूरी संख्या यहां बनेगी बनेगी आ रहा है समझ में चलिए देखिएगा अब रिमाइंडर क्या आएगा ट्वेंटी ये आपका आंसर है बच्चों ने आंसर भी कर दिया चलिए आइए देखिए ये यहां कट जाता है तो सुविधा हो जाती है नहीं भी कटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर दिया जा सकता है ठीक है क्योंकि तो यहां पर भागफल हमको पता है अब आइए <coughs> 209 मेथड वन देखिए यह सवाल है आपका दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित करते हैं एक भाजक से दो संख्याओं को जब विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 437 और दो सौ मिलते हैं जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल दो सौ छत्तीस मिलता है तब भाजक क्या होगा आइए जरा इसका बेसिक देख लें वैसे तो शॉर्टकट है इसका भाजक बराबर आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री आर वन प्लस आर टू ग्रेटर सीधे शॉर्टकट है एग्जाम में तो शॉर्टकट से ही करेंगे लेकिन आइए बेसिक देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये सारी चीजें पता है तो भाज्य का फॉर्मेट बन जाता है भाज्य यानी कि संख्या जिसमें हम भाग देते हैं भाज यानी कि संख्या जिसमें हम भाग देते हैं तो ध्यान से देखिए यहां पर मान लिया पहली संख्या भाज क्या होगी आपकी भाजक मान लिया एक्स है पहली संख्या में भाग देने पर आपका जो क्वेश्चन आया है वो q1 आया है और रिमाइंडर क्या आया है बता दीजिए चार सौ सैतीस यही तो बोला गया है पहली संख्या में किसी भाजक यानी कि मान लिया एक्स से पहली संख्या में किसी भाजक यानी कि एक्स से भाग दिया तो भागफल आया Q1 और रिमाइंडर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है चार आया तो भाज यानी कि ये पहली संख्या तैयार मिलेगी आपको पहली संख्या क्या हो जाएगी X गुड़े क्यू वन और प्लस चार मिलेगा कि नहीं ये? ये पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या में आपने एक भाजक से भाग दिया है तो रिमाइंडर चार आया है अपने मन से मान लीजिए भागफल क्या है क्यू है अपने मन से मानिए भागफल क्या है वन है कोई डाउट तो नहीं किसी को अब देखिए दूसरी संख्या में भी इसी भाजक से भाग दिया है आपने तो दूसरी संख्या क्या होगी यानी कि भाज्य क्या होगा एक्स गुड़े भागफल क्या होगा क्यू टू भागफल मान लिया क्या है क्यू टू और शेषफल यहां क्या है टू नाइनटी एट है हो गया बच्चों ये दूसरी संख्या हो गई अब इन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक से भाग दे दिया है हमने तो रिमाइंडर हमारा क्या आया है रिमाइंडर आया है 236 ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या ऐड करेंगे तो आएगा आपका क्या एक्स कॉमन हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू ध्यान दीजिएगा और प्लस क्या हा सात सौ पैंतीस क्लियर है बच्चे ध्यान से देखिएगा ये फिगर है पहली संख्या दूसरी संख्या का योग ले लिया तो ये यही आएगा x ब्रैकेट में q1 वन प्लस क्यू और प्लस सात सौ पैंतीस यही आएगा अब इस योग को हमें किससे भाग देना है x से ही भाग देना है ये दोनों संख्याओं का जो योग है किससे भाग दिया जाएगा x से ही भाग दिया जाएगा तो बताइए रिमाइंडर फिर क्या आया है 236 आया है रिमाइंडर आ गया तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर एक्स से भाग देंगे तो क्या ये वाला पार्ट कट जाएगा तो रिमाइंडर 236 देने का काम कौन करेगा यही 735 सौ पैंतीस रिमाइंडर दो देने का काम कौन करेगा यही 735 करेगा क्लियर है तो 735 में हम किससे भाग देंगे एक्स से तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 236 आ रहा है सहमत है आप बताइए योग है ये आपका योग को अगर हम भाग दे दें किससे से एक्स से तो योग का ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा जब ये पार्ट कट गया तो रिमाइंडर देने का काम कौन करेगा ये सात सौ पैतीस ही रिमाइंडर देने का काम करेगा समझ में आ रही है कि नहीं बात हर एक बच्चा ध्यान दे तो सात सौ पैंतीस में ही एक्स का भाग देंगे तो रिमाइंडर दो सौ छत्तीस आएगा तो सात सौ पैंतीस बटा एक्स लिख दिया रिमाइंडर क्या आ गया दो सौ छत्तीस अब देखिए ये हमारा इसको छोड़िए अब मान लिया ये हमारी संख्या यानी कि ये हमारा भाज्य हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं सात सौ पैंतीस बराबर दो टुकड़ों में भाग हो रहा है तोड़कर भाग दिया जा रहा है यहां तो रिमाइंडर जीरो आ गया आना भी चाहिए बहुत आसानी से हमारा फिर आगे इसके माध्यम से रिमाइंडर निकलेगा तो देखिए अगर हम इसको टारगेट करें तो ये हमारा भाज्य हो गया भाजक हमारा एक्स हो गया रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है दो आ रहा है तो क्या ये भाज्य सात बराबर x गुड़े मान लिया यहां के लिए भागफल क्यू थ्री है यहां के लिए इसके लिए नहीं बेटा यहां के लिए भागफल क्या है क्यू थ्री है? तो क्या सात सौ पैंतीस दो सौ छत्तीस होगा बताइएगा क्या x इंटू क्यू थ्री बराबर सात सौ पैतीस माइनस दो सौ छत्तीस होगा यानी कि x गुड़े क्यू थ्री बराबर क्या चार सौ निन्यानवे आएगा आ रहा है चार सौ का जरा फैक्टर लेके देखिए हम्म बताइए चार सौ निन्यानवे का फैक्टर लेके देखिए और ऐसा फैक्टर लीजिएगा जिसमें से एक फैक्टर 236 से बड़ा हो क्यों बच्चों ऐसा फैक्टर लीजिएगा जिसमें एक फैक्टर 236 से बड़ा हो समझिए बात को ऐसा फैक्टर लीजिएगा जिसमें एक फैक्टर 236 से क्या हो बड़ा हो ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा जिसमें एक फैक्टर 236 से क्या हो बड़ा हो तो बस आपके पास फॉर्मेट क्या रहेगा केवल चार और गुड़े एक का यही रहेगा बस यही चार ही आपका क्या हो रहा है 236 से बड़ा हो रहा है चार सौ निन्यानबे ही दो सौ छत्तीस से बड़ा हो रहा है बात समझिएगा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो दो सौ छत्तीस से बड़ा है और कोई दूसरा फैक्टर इसके अलावा नहीं है जो दो सौ छत्तीस से बड़ा है हम दो सौ छत्तीस से क्यों कंपेयर कर रहे थे बेटा बताइए क्योंकि हमारा शेष दो सौ छत्तीस आ रहा है तो भाजक हमारा दो सौ छत्तीस से क्या होना चाहिए बड़ा भाजक हमारा यहां भाजक गुड़े क्यू है ना भाजक गुड़े क्यू है समझिएगा बात तो हमारा जो भाजक है दो फैक्टर यहां दिखाई दे रहे हैं एक्स और क्यू थ्री एक्स इंटू क्यू थ्री दिख रहा है कि नहीं तो इसीलिए हमने कहा इसको दो फैक्टर में तोड़िए एक की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी और एक की वैल्यू क्यू थ्री के बराबर हो जाएगी ये एक्स इंटू क्यू थ्री है दो टर्म है ध्यान से देखिएगा एक्स इंटू क्यू थ्री दो टर्म है हर एक बच्चा समझेगा चार सौ निन्यानवे को भी दो फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए एक एक वैल्यू चली जाएगी एक्स को और एक वैल्यू चली जाएगी क्यू थ्री को आया समझ में अगर कोई वैल्यू एक्स को जा रही है एक्स के लिए है कोई वैल्यू तो निश्चित रूप से वो दो से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए क्योंकि x का मान 236 से बड़ा रहेगा भाजक 236 से बड़ा होगा तभी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 236 आएगा क्यों बताइए क्या रिमाइंडर से छोटा होता है क्या भाजक रिमाइंडर से तो हमेशा बड़ा ही होता है शेष से तो हमेशा बड़ा ही होगा भाजक बच्चे बताइए क्लियर है कि नहीं ऐसा समझिए इसीलिए हमने कहा कि 499 के दो फैक्टर लीजिएगा एक फैक्टर 236 से क्या होना चाहिए ज्यादा तो 499 गुणे एक के अलावा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं और कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जो 236 से क्या है बड़ा है आ रहा है समझ में केवल 499 और एक ही मिलेगा और यह बात हमेशा सत्य होती है हर जगह ऐसा ही होता है अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है तो यही चीज उसमें लागू होती है एक चार सौ निन्यानवे मिलेगा और क्यू थ्री की वैल्यू हमेशा एक ही मिलेगी क्यू थ्री की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी यहां पर एक ही हो जाएगी समझिए इस तरीके से अगर करते हैं तो इस तरीके से अगर करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी एक ही हो जाएगी क्लियर है कोई डाउट क्यू थ्री कौन सा क्यू थ्री है पूरे योग में भाग देने वाला नहीं है भाग ये यह पूरे योग में भाग देने वाला क्यू थ्री नहीं है ये केवल सात सौ 35 में भाग देने वाला आपका भागफल है यह क्यू थ्री है और क्यू थ्री हमेशा एक ही मिलेगा समझिए इस बात को यहां के लिए सही है समझ में आया नहीं आया क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज तो हमेशा बेटा यहां पर इसी पैटर्न में टूटता है और x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आती है चार सौ निन्यानवे बन गया शॉर्टकट आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री हो गया शॉर्टकट देखिए यहीं से ये क्या है सात सौ पैतीस आर वन प्लस आर टू है आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री बना कि नहीं किसकी वैल्यू यहां से निकल के आ रही है भाजक की किसकी वैल्यू आ रही है भाजक की ध्यान रखिएगा हर एक बच्चा समझे इस चीज को कोई डाउट तो नहीं क्लियर हो गया और यहां पर हमेशा आर वन प्लस आर टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन आर थ्री होनी चाहिए तभी यह आंसर आ भी पाएगा अगर ये छोटा हो गया होता तो यह माइनस में फिगर चला जाता कि नहीं चला जाता बताइए आप लोग तो भी आंसर नहीं दे पाते आर वन आर टू का योग आर थ्री से बड़ा ही होना चाहिए बराबर भी नहीं होना चाहिए बराबर भी नहीं होना चाहिए और आपका छोटा भी नहीं होना चाहिए तभी आपके प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं तो नहीं आएगा कई सारे ऐसे आंक उदाहरण होते हैं जिसमें बराबर भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है तो वहां प्रश्नों का उत्तर ज्ञात नहीं हो सकता वैसे आज तक ऐसा प्रश्न कोई पेपर में पूछा नहीं है जब भी पूछा है तो भाजक बराबर भाजक बराबर R1 वन प्लस आर टू इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है यही आपका मेथड मेथड कौन सा है मेथड टू है सेकंड मेथड है सर मेरी क्लास फरवरी में एवरेज से पे स्टार्ट हुई थी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ सर क्लास बंद तो नहीं होगा क्यों बंद होगा भाई फरवरी से यानी कि पिछले फरवरी से इनका शुरू हुआ था नहीं क्लास एक साल की वैलिडिटी होती है अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कॉल कर लीजिएगा वो बढ़ा दिया जाएगा वैलिडिटी आपका कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं समझे क्या बच्चों इस बात को नहीं समझे दोबारा देखिए दोबारा बेसिक इसलिए बता दे रहा हूं कि बच्चों के मन में किसी तरीके की संशय की स्थिति ना रहे कि शॉर्टकट आ कहां से गया तो शॉर्टकट आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री आता कहां से वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि कभी जीवन में डाउट ना रहे इस चीज को लेकर नहीं तो हमारा काम तो किससे चलना है केवल भाजक बराबर आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री से ही चलना है एक बार में उत्तर आएगा भाजक का क्यों आता है वो मैं दिखा रहा हूं देखिए दो संख्याओं में किसी भाजक से भाग देने पर क्रमशः शेष जो आया है चार आया है और दो में आया है फिर बोला गया है जब उन्हीं संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देते हैं तो हमारा शेष दो आता है तो बताइए भाजक क्या है डिवाइजर क्या है आपको बताना है तो क्या उन दोनों संख्याओं को आप एज्यूम कर सकते हैं क्या है यस बताया जा सकता है मान लिया भाजक क्या है एक्स है भाजक क्या हो गया एक्स भाजक बराबर हो गया एक्स ध्यान से देखिएगा भाजक हो गया आपका एक्स तो यहां पर आपका पहली संख्या जो बनेगा एक्स गुड़े मान लिया भाग फल क्यू वन क्यू वन बार भाग गया है तो एक्स गुड़े क्यू वन प्लस चार सौ बनेगा ये पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होगी x भाजक रहेगा ही। भागफल मान लिया क्वेश्चन है आपका q2। तो x गुड़े क्यू टू और प्लस क्या हो जाएगा दो सौ सही है ये दोनों संख्याएं आपने बना ली किसी के मन में कोई डाउट ऐसे बनेगा ना फॉर्म होगा संख्या क्लियर है कि नहीं ये चीज आ रहा है सबको समझ में बच्चे बताइए आप लोगों को क्लियर है पीछे तक बच्चे ध्यान दीजिएगा यूट्यूब लीवोल सब सभी बच्चे ध्यान दें ये पहली संख्या हो गई ये दूसरी संख्या हो गई अब हमसे कहा है इनके योग को उसी भाजक से भाग देने दे पर शेषफल 236 आता है तो योग ले लीजिए योग कैसे होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां x कॉमन है तो x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा q1 वन प्लस क्यू सही है q1 वन प्लस क्यू और प्लस ये एड होके हो गया सात सौ पैंतीस अब अगर इस योग को हम एक्स से भाग करें तो ये पार्ट तो कट ही जा रहा है कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई ये पार्ट पूरा पूरा कट रहा है तो शेष देने का का काम कौन करेगा केवल सात सौ छत्तीस सॉरी सात सौ पैंतीस शेष देने का काम कौन करेगा सात सौ पैंतीस हर एक बच्चा ध्यान दे तो हमारा जो रिमाइंडर दो सौ छत्तीस आया है हमारा जो रिमाइंडर दो सौ छत्तीस आया है पक्का सात सौ पैंतीस में उस भाजक से भाग देने पर आया होगा ये संख्या का योग नहीं है संख्याओं का योग नहीं है योग योग का एक पार्ट है आया समझ में मान लिया योग के एक पार्ट में हम एक से भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा दो सौ छत्तीस सत्य बात है सही बात है क्योंकि तो योग का ये वाला पार्ट तो कट जा रहा है तो रिमाइंडर देने का काम कौन करेगा 735 ही करेगा शोर है 735 ही करेगा एक पार्ट कट जाए तो अगला पार्ट रिमाइंडर देने का काम करता है तो 735 में उस भाजक से भाग लगेगा आपका रिमाइंडर आएगा ही आएगा 236 क्वेश्चन में बोला है कि योग को भाग देने पर उसी भाजक से रिमाइंडर हमारा 236 आता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 735 में अगर हम उसी भाजक से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 236 आएगा क्लियर है आ रही बात समझ में तो देखिए अब हम इस प्रोसेस के लिए मान लेंगे कि हमारा भागफल क्या है Q3 है Q3 इस प्रोसेस के लिए योग वाले के लिए Q3 नहीं है यहां के लिए क्या है Q3 है तो अब ये हमारा भाज्य हो जाएगा तो भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल धन फल का पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा तो 735 बराबर हम लिख सकते हैं एक्स गुड़े क्या क्यू थ्री भाजपा तो वही है एक्स और हमारा मान लिया यहां के लिए भागफल पूरे योग के लिए नहीं बाबू यहां के लिए भागफल हमारा Q3 है तो X गुड़े Q3 प्लस 234, तो X गुड़े Q3 बराबर फल चार सौ निन्यानवे यहां दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा एक्स और क्यू थ्री तो इसके भी दो फैक्टर लीजिए और ऐसा फिगर लीजिएगा एक फैक्टर ऐसा लीजिएगा जो दो सौ छत्तीस से बड़ा हो हमेशा दिमाग में रखिएगा 236 से बड़ा होना चाहिए तो बेटा 499 के अलावा कोई ऐसा फिगर नहीं होगा जो 236 से बड़ा हो इसको काट रहा हो इसका फैक्टर हो तो दो फैक्टर क्या बनेंगे डेफिनेटली आपके 499 और एक होंगे तो 499 into क्या लिखेंगे बन? अब बता दीजिए हमारा गारंटी के साथ x का मान क्या होगा 499 होगा एक तो होगा नहीं हमेशा यही पैटर्न बनता है ऐसे सवालों में हमेशा और हमेशा यही पैटर्न बनता है तो ये सीधे सीधे आ गया एक्स बराबर चार सौ निन्यानवे आपका क्या हो जाएगा भाजक है कोई डाउट किसी को क्लियर है ना अब देखिए शॉर्टकट करा दू कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर आप योग में भाग दीजिए आप ऐसे क्यों भाग दे रहे हैं आइए योग में भी डायरेक्ट दिखाते हैं हम आपको तो योग हमारी हो जाएगी पूरी पूरी संख्या अब देखिए योग हमारी हो गई पूरी पूरी संख्या यानी कि लिख सकते हैं एक्स ब्रैकेट में क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस सेवन थर्टी फाइव इसको भाग दिए थे एक्स से मान लिया इसमें भागफल क्या आया था क्यू आया था पूरी पूरी संख्या यानी कि पूरे योग में हम भाग दे रहे हैं एक्स से तो भागफल क्या आया था क्यू आया था और प्लस रिमाइंडर क्या था दो इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यू वन एक्स क्यू टू सही है अब बताइए यहां पर इसको इधर भेजिए और बाकी सबको इधर तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू वन माइनस एक्स क्यू टू इज इक्वल टू क्या सात सौ पैतीस माइनस दो सौ छत्तीस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू क्या चार सौ निन्यानवे बात यहाँ भी बेटा भाई आ रही है बात यहां भी आ रही दो फैक्टर लीजिए एक ये और एक ये आया समझ में एक ये और एक ये तो क्या होगा चार सौ निन्यानवे गुड़े एक ही तो होगा बताइए समझिए बात को चीज यहां भी वही है हमको जो लाना है क्या लाना है रिमाइंडर दो लाना है तो हमारा भाजक 236 से क्या होना चाहिए बड़ा 236 से बड़ा तो 236 से बड़ा भाजक आप क्या कर सकते हैं बताइए चार सौ निन्यानबे ही लेना पड़ेगा और कोई नंबर नहीं है मतलब इसकी इसकी वैल्यू वैल्यू एक ही आएगी इसकी फिर से क्या आएगी एक ही आएगी आप तीसरे वाले भागफल में से उन दोनों भागफलों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आती है एक ही आएगी तो आपके प्रश्न का उत्तर आना है तब आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा आ जाएगा नहीं तो नहीं आ गया समझ में बच्चे कह रहे हैं शुभम मिश्रा आपने कुछ क्वेश्चन दिए थे हाँ दिया तो था आंसर किस कितने लोगों ने कर लिया उस क्वेश्चन को चलिए आंसर जरा बताते कि क्या है क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन मैंने दिया था जरा आंसर मिला लीजिए बोलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है एक से दो सौ तक वाला क्वेश्चन था ना पहले का आंसर क्या आया है आंसर बाद में पहले इसका शॉर्टकट करा ले नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा रुक जाइए आंसर दे दूंगा कल कल आंसर दे दूंगा मिटाऊ इसको तो बाबू यहां एक आएगा ही मतलब आप यहां क्या कर रहे हैं तीसरे भागफल में से दोनों भागफल को घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है एक आ रही है चलिए इसका शॉर्टकट देख लीजिए जरा नोट करिएगा नोट करिए दो संख्याओं को नोट करिएगा सभी बच्चे नोट करें दो संख्याओं को एक ही भाजक से दो संख्याओं को एक ही भाजक से दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर शेष क्रमशः शेष क्रमशः आर वन एवं आर टू आता है आर वन एवं आर टू आता है यदि उन संख्याओं के योग को यदि उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष आर थ्री आता है हो गया तब भाजक बराबर भाजक बराबर आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री जहां आर वन प्लस आर टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आर थ्री अगर इक्वल टू आर थ्री है तो प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते लेस देन आर थ्री है तो भी प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते सीधे आंसर यही देंगे आप आर वन प्लस आर टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आर थ्री क्लियर हो गया हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ अपने प्रश्न का उत्तर आप देने जाएंगे तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा आर वन की वैल्यू बोलिए चार सौ आर टू की वैल्यू बोलिए दो सौ अंठानबे और आर थ्री की वैल्यू बोलिए दो सौ छत्तीस कितना आएगा चार सौ यह आपका भाजक है और आंसर है इतना ही छोटा सवाल है आपका एग्जाम के लिए ये केवल दोनों शेष को जोड़ के तीसरा शेष माइनस कर दीजिए आ गई कहानी कंप्लीट हो गई कहां पर ये चीज नहीं लगेगी जहां आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर थ्री हो चाहे आर वन प्लस आर लेस देन आर थ्री हो ये स्थितियां आ सकती है सही है बच्चों कोई डाउट तो नहीं अब किसी के मन में कोई डाउट हो जो पूछना चाहता हो इससे रिलेटेड क्लियर कर दिया पूरा डाउट हाँ आप बताइए रिमाइंडर दो सौ छत्तीस है हा आएगा क्या सात सौ पैंतीस में एक्स एक्स की वैल्यू आई है चार सौ निन्यानवे सात सौ पैंतीस में चार सौ निन्यानवे का भाग देके देखिए आ रहा है दो सौ छत्तीस क्या दो सौ छत्तीस भाजक भागफल दो सौ छत्तीस रिमाइंडर है बाप वो तो दो सौ छत्तीस आपको बहुत सारे डाउट्स हैं वो कल क्लियर हो पाएंगे कल क्लास में खड़े होके पूछिएगा कहाँ कहाँ डाउट है अवश्य बताया जाएगा ठीक है एक्सपर्ट आप लोग अपनी अपनी कुर्सी संभाल लीजिए अब क्वेश्चन पूछना बच्चे वहां शुरू आप हम ही से पूछिएगा ठीक है एक्सपर्ट के पास नहीं जाइएगा आपके डाउट्स प्रॉपर क्लियर करना जरूरी है समझ रहा है नहीं तो खतरा हो जाएगा एक एक चीज़ समझाना ज़रूरी है आपको चलिए आप कल आज समय का अभाव है अगली क्लास है हमारी नहीं तो अभी मैं आपकी समस्या दूर करता ठीक एक बार सवाल पढ़िएगा मुझे लगता है ध्यान देंगे और एक बार वीडियो पलट लेंगे यूट्यूब वाली तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लेकिन हम हैं कल के लिए कल अभी और भी कुछ इसमें बताया जाएगा मैं मिलता हूं थोड़ी देर में एलजब्रा वाली क्लास में